राजस्थान में भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के तीखे तेवर दिखाई दिए हैं। खाचरियावास ने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका और खाद्य विभाग में ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में खाचरियावास ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जताई है। इस मामले में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा 46,000 टन गेहूं लैप्स हो गया है। अफसर की गलती से राशन की दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए हैं। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके अलावा खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज आपने बहुत बड़ा सवाल मेरे से पूछ लिया कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। ये एक डेढ़ दो महीने पुरानी बात है। जब लैप्स हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने अधिकारियों को बहुत स्ट्रिक्ट आदेश दिए और मैंने कहा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं देश में और राजस्थान में, वो ये समझ लेना चाहिए। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। यदि कोई आदमी जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जांच होगी। कल मैंने सीएस को फोन किया, मिस्टर कुलदीप राका को भी मैंने फोन किया था, पूरी बात बताई और मैंने उनसे इस बात की नाराजगी भी व्यक्त की थी। कैसे धीरे धीरे काम नहीं चलता है, आप सेक्रेटरी टू सीएम हैं, यदि कहीं पर गेहूं लैप्स हो रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई अधिकारी अवमानना कर रहा है सरकार के आदेश की तो उसकी ड्यूटी है, यदि अवमानना कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा। यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबके, एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस ऑफिसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया आज। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना भी खाचरियावास से सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं। दिव्या मदेना ने खाचरियावास का समर्थन करते हुए प्रदेश में नौकरशाही हावी होने पर सवाल उठाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जोधपुर कलेक्टर की विफलता के संबंध में और गरीब लोगों के कदाचार और लूट में शामिल भ्रष्ट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में मैं भी खाचरियावास की तर्ज पर सीएम को पत्र लिखूंगी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और तुरंत हो। हम जीरो टॉलरेंस टू करप्शन के वादे पर सरकार में आए थे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आईएएस की एसीआर का अधिकार अन्य प्रदेशों में मंत्री के पास है, तो राजस्थान में भी मंत्री के पास हो, नहीं तो आईएएस बात नहीं मानेगा और मानेगा नहीं तो जनता का काम कैसे होगा। एक योग्य कैबिनेट मंत्री भी अगर नौकरशाही के सामने इतने मजबूर और बेबस हैं तो मैं तो यूं ही दुखी हो रही थी। इसके अलावा एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के वो कैबिनेट मंत्री हैं जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाते हैं। आज उन्होंने गरीब के साथ होते शोषण और राजस्थान के अंदर नौकरशाही किस कदर हावी है इसका पटाक्षेप किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने पावर के विकेंद्रीकरण की जो बात कही वो काबिले तारीफ है। श्री राम अस्पताल में हुए मामले के बाद से ही दिव्या मदेना लगातार जोधपुर कलेक्टर को घेरती हुई नजर आ रही थी। अब प्रताप सिंह खाचरियावास के ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाने के बाद दिव्या को एक बार फिर जोधपुर कलेक्टर को घेरने का मौका मिल गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अशोक गहलोत क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।